देखिए इधर हम 25 फीट × 20 4 फीट 6 इंच का प्लान हम दिखाएंगे। तो स्टार्टिंग में देखिए प्लानिंग में क्या क्या हम ऐड करेंगे। पहले हम इधर एक रूम ऐड करेंगे, उसके साथ ऐसे देखिए एक एक पार्ट इधर ऐसे रहेगा। ओके, इसके साथ और भी एक रूम इधर हम ऐड करेंगे, तो उसके बाद ऐसे रहेगा, इधर ऐसे रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके साथ एक 8 फीट का एक जगह हम ऐसे लेंगे जिसमें हमें ऐसे रहेगा स्टेयर का पार्ट। हम बाद में दिखाते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इधर से ऐसे जाएगा इधर। ओके, इधर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम इधर ऐसे इधर रखेंगे इतना। ओके, इधर देखिए इधर से हम ऐसे एक पार्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बिल्डिंग प्लान का डिटेलिंग रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 25 फीट, यहाँ पर 24 फीट 6 इंच। हाँ, इसमें क्या क्या है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे पार्ट रखेंगे। ओके, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कुछ। तो यहाँ पर 28 फीट 3 इंच रहेगा, तो यहाँ पर जो आपका 3 फीट जो एक्स्ट्रा रहेगा बाहर आएगा लैंडिंग, तो इधर से भी आपको एक डोर मिल सकता है घर के अंदर जाने के लिए। ठीक है, इधर से एक डोर आपको रखना है इधर। ओके, हम अदर्स कलर जो है इधर इससे दिखाएंगे। तो इधर हमें पहले एक डोर ऐड करना है, उसके बाद इधर एक डोर ऐड करना है, इधर एक डोर ऐड करना है। देखिए इधर भी एक डोर ऐड करेंगे, इधर डोर, इधर डोर। ओके, और इधर एक हम डोर ऐड करेंगे। तो उसके बाद इधर हम बाहर से एक डोर एक्स्ट्रा इधर से रखेंगे। ठीक है, इधर से एंट्री भी कर सकते हैं आप, और इधर से भी एंट्री दोनों साइड से। ओके, तो इसमें क्या क्या है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टार्टिंग से बेड रूम इधर। ओके, इधर है और एक बेडरूम, इधर जो है टॉयलेट, इधर टॉयलेट, इधर जो आप कर सकते क्या ड्रेसिंग रूम, इधर ड्रेस। इसका मतलब घर के अंदर मैंने केव कर दिया क्योंकि यहाँ पर किचन रहेगा। ओके, यहाँ पर ओपन स्पेस। तो स्टेप का प्लान में हम यहाँ पर मेजरमेंट जो रखा है ना, इसके अंदर हम इसके अंदर जो मेजरमेंट है यहाँ पर दिखाएंगे। 10 फीट 9 इंच। ओके, और इधर जो है 8 फीट। ओके, इधर 8 फीट 6 फीट। ओके, इधर कितना, 10 फीट 9 इंच। इधर हमारा रहेगा 12 फीट, इधर 11 फीट 3 इंच। ओके, 11 फीट 3 इंच हो गया। तो उसके बाद इधर रहेगा टोटल 15 फीट इधर से। फिफ्टीन फीट इधर तक, ठीक है, और इधर रहेगा 8 फीट। तो घर के अंदर जाने के लिए आपको जो रास्ता है स्टेयर के नीचे से, क्योंकि देखिए इधर से स्टेयर आप हो सकता है उल्टा है, लेकिन हमें इधर जगह नहीं मिलेगा। इसका ऑप्शन हम करेंगे यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1,
यहाँ पर ऑप्शन 01, यहाँ पर जो है आउटर, देखिए यहाँ पर 4 फीट 7 इंच, यहाँ पर 4 फीट 7 इंच, ओके। तो यहाँ पर आप 6 फीट लीजिए, इधर भी आप 6 फीट लीजिए, तो आपको जो जगह यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मेजरमेंट ऐसे। तो इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन हम आएंगे तो इसके, इससे पहले इसका जो कॉलम पोजीशन भी हम थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो कॉलम आप क्या कर सकते हैं, देखिए इधर तो आपको कॉलम देना ही पड़ेगा, इधर तो आपको हो सकता है एक कॉलम ज़्यादा आएगा क्योंकि इधर सिस्टम ऐसे ही बना है, नहीं तो आपको कॉलम कम देने से प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना पड़ेगा, इधर इधर कॉलम देना होगा इधर, ओके। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आया बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम आया है 1 एंड 2 बेडरूम, ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे और एक ऑप्शन में, जो ऑप्शन आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 में क्या कर सकते हैं आप, देखिए हम यहाँ पर जो प्लानिंग, तो यहाँ पर हम ऐसे हो सकते हैं 2 बेडरूम हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 25 फीट में 2 बेडरूम मिल जाएगा, ओके, ऑप्शन 2 में। तो यहाँ पर देखिए 2 बेडरूम, उसके साथ क्या क्या मिल सकते हैं, जैसे होता है हम जैसे बनाते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पर आएगा इधर, तो इसके साथ हम ऐसे रखेंगे एक पार्ट, ओके। 2 बेडरूम जैसे आता है ऐसे हम बेडरूम इधर इधर दिखा सकते हैं, तो सिंपल सा प्लान हो सकते इधर ऐसे, इधर डोर आएगा, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हम मेज़रमेंट रखेंगे इस प्लान का, तो यहाँ पर देखिए 25 फीट, यहाँ पर 24 फीट 6 इंच, ओके। तो इसमें से आपको इधर सेंटर से आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो उसके बाद देखिए इधर जो आएगा, हम अगर इधर से ऐसे रखेंगे, मान लीजिए इधर हम 11 फीट रखा है, तो बाकी जो जगह इधर आएगा, ओके। तो इसमें से आपको क्या करना है, इधर आपको टॉयलेट का जगह मिल जाएगा, ओके, डोर। तो आपको घर के अंदर आने के लिए इधर से रास्ता, जो इधर से हम एक एंट्री इधर से हम रखेंगे, ओके, इधर से एंट्री ऐसा आप कर सकते हैं, यहाँ पर डोर आएगा, तो यहाँ पर टॉयलेट आएगा, यहाँ पर बेड, यहाँ पर बेड, ओके, ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन, यहाँ पर वेटिंग रूम, वेटिंग का बरामदा भी हो सकता है ऐसे। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर तो आपको 11 फीट मिल गया, तो यहाँ पर आप जो पार्ट है 4 फीट 6 इंच लेंगे, बाकी जो पार्ट रहेगा इधर 24.6 आप माइनस कर दीजिए, तो आपको बाकी पोर्शन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देते, देखिए 11 और 4 15, तो यहाँ पर कितना रहेगा, 15 24 से चला गया तो 9 फीट, ओके। तो और इधर आप कितना ले सकते हैं, इधर आप देखिए, तो इधर हम क्या करेंगे 12 फीट, इधर 12 फीट नहीं आएगा, 11 फीट 9 इंच आएगा ऐसे कुछ, ठीक है। 12 से आप यहाँ पर 8 फीट लीजिए, तो आपको इधर 8 फीट आप 8 फीट लीजिए, तो इधर 3 फीट का आपको 3 फीट का डोर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेट कर दीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर जो आपको इधर जो डिस्टेंस मिलेगा, देखिए 8 फीट चला गया तो 25 से तो कितना रहेगा, इधर आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 17 फीट रहेगा, ठीक है, 17 फीट। 70 फीट के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए किचन का पार्ट इधर आप अगर एंड करेंगे तो किचन, तो यहाँ पर किचन रहेगा, ओके। तो आप किचन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ओपन किचन यहाँ पर, और यहाँ पर आपका किचन के साथ यहाँ पर डाइनिंग, ओके, प्लस ड्राइंग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो स्टेयर चाहिए, आप स्टेयर इधर से देखिए, किचन करने के बाद इधर से आपको स्टेयर का पार्ट चाहिए, तो आप ऐसे स्टेयर कर सकते हैं, या बाहर में आप स्टेयर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे इधर से आप कर सकते हैं। ऐसे करके आप सेकंड पार्ट भी बना सकते हैं प्लान में, ठीक है।
तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो में आपको देखिए ऐसा कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा, तो इसको भी कॉलम पोजिशन ऐसे मिल जाएगा, ओके ऐसे ऑप्शन टू में ऐसे।